जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग गियर को पढ़ते हैं। गियर क्या है? एक पावर ट्रांसमिशन के अंतर्गत इसका यूज होता है। जैसे पावर ट्रांसमिशन में एक कोई शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट है, और इससे दूसरे शाफ्ट को अगर पावर देना होता है तो हम गियर का यूज करते हैं। इस पर दांते कटे होते हैं। तो गियर को अगर हमें परिभाषित करना है तो क्या होगा गियर? गियर एक वृत्ताकार पहिया है और इस पर क्या कटे होते हैं? दांते कटे होते हैं। जैसे मैंने दिखाया अगर इसका साइड व्यू, तो ऐसे दांते कटे होते हैं इस पर, तो ऐसे तीत कटे होते हैं ऐसे ऐसे से। तो ये एक हो गया गियर। गियर क्या है? इसका परिभाषा आप देंगे कि यह एक वृत्ताकार पहिया है जिस पर दांते कटे होते हैं। ये पावर ट्रांसमिशन के अंतर्गत इसका प्रयोग होता है। तो इसमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए इसमें हमने क्या बनाया था, एक गियर है, दूसरा गियर से मेस करता है, इस पर भी दांते कटे होते हैं, ऐसे दांते कटे होते हैं, और ये गियर इस गियर से मेस करके चलता है। अगर इसमें आरपीएम चेंज होता है, जैसे ये मान लीजिए कि इनपुट शाफ्ट है कोई, ये इनपुट शाफ्ट है कोई, और आउटपुट शाफ्ट पर हमें पावर ले जाना है, तो अगर ये 10 आरपीएम पर घूम रही है तो ये कितनी आरपीएम पर घूमेगी? तो आप इसके लिए फार्मूला बना दिखाएंगे आप लोग कैसे याद करना है। तो ये इस तरह से आप देख लीजिए कि एक गियर ये है, दूसरा गियर ये मेस करती है। तो इसमें एक जो फार्मूला बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, इसका डायमीटर D1 है और इसका डायमीटर D2 है, और ये N1 आरपीएम से घूम रही है, ये N2 आरपीएम से घूम रही है, और इस पर जो तीत है T1 कटी हुई है, इस पर दूसरे पर T2 तीत कटी हुई है, मतलब इस पर दांतों की संख्या T1 है और इस पर दांतों की संख्या T2 है। तो इसमें एक बहुत एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वेग अनुपात। मतलब वेग अनुपात क्या होता है? देखिए वेग अनुपात मतलब वेगों का अनुपात है। तो हमेशा देखेंगे तो कोई भी अनुपात निकाला जाता है आउटपुट अपॉन इनपुट निकाला जाता है। तो आउटपुट क्या हुआ? इस पर N2 आउटपुट हो गया और N1 इनपुट हो गया। तो वेग का अनुपात एग्जाम में बार बार आते हैं कि वेग अनुपात क्या है, N2 अपॉन N1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेगा अनुपात बोलते हैं। और एक देखिए एक फार्मूला इससे और एग्जाम में पूछा जाता है, D1 N1 D2 N2, इस पर कई बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं। तो इसको अगर आप पुट करेंगे N2 अपॉन N1, यहां से निकालेंगे N2 और इधर N1 को ला देंगे तो क्या बन जाएगा? D1 अपॉन D2। इस बस ट्रांसफर किए हैं, N1 को इधर भेजे हैं, D2 को इधर लाए हैं। तो फार्मूला में क्या हो जाएगा यहां पर? D1 अपॉन D2, एक और रेशियो मिल जाएगा। और तीसरा, अगर इस पर दांतों की संख्या लेंगे, जैसे इस गियर पर दांतों की संख्या कितनी है? T1 है। इस गियर पर दांतों की संख्या कितनी है? T2 है। तो यहाँ T1 रख लेंगे, यहाँ पर क्या रख लेंगे? T2 रख लेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से बार बार इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस पर जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं, जैसे एग्जाम्पल्स देगा कि अगर ये गियर्स 1000 आरपीएम पर घूम रहा है और इस दूसरा गियर पूछेगा किस आरपीएम में घूमेगा, अगर इसकी डायमीटर दे दिया है 10 mm दिया, 10 cm दिया है, और इसकी डायमीटर 8 cm दिया है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला में रख देंगे, इसी फार्मूला में रखेंगे, D1 के स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे, N1 के स्थान पर ये रखेंगे, N2 का मान यहां पर रखेंगे और निकालेंगे, और N1 का मान आप यहां से 1000 रखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो ये है आपका वेग अनुपात से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, और ये फार्मूला है दूसरा। ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये और दूसरा ये। अब इसके बाद हम लोग गियर के टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, इसको आप नोट्स कर लीजिए। देखिए गियर की टर्मिनोलॉजी मतलब जब गियर मैन्युफैक्चर होता है तो इसमें क्या क्या ध्यान देते हैं। देखिए पहले तो एक गियर में सर्कल सेंटर होता है। अब सेंटर के बाद क्या रहता है? एक सर्कल बनता है जिसे एडेंडम सर्कल बोलते हैं। इसको मिटा देते हैं। एक सर्कल जो बना, पहला सर्कल डिडेंडम सर्कल होता है, और इसके बाद पिच सर्कल बनता है। अब इसके बाद एडेंडम सर्कल बनता है। ये है गियर का, ऐसे नॉमिक्लेचर वो होता है। तो इसमें देखिए
पहला तो डिडेंडम सर्कल, दूसरा पिस सर्कल, ये है एडेंडम सर्कल। अब इस पर दांते कटे होते हैं, देखिए दांते कैसे होते हैं, ए ऐसे गया ऐसे, ये एक दाता, फिर दूसरा दाता ऐसे ऐसे करके, ये दूसरा दाता, तो ये एक दाता, दूसरा दाता, और ये ऐसे आपका वो रहता है, डॉटेड रहता है। तो पहले को हमने क्या बोला, एडेंडम सर्कल ये है, और दूसरे को क्या बोल रहे हैं, पिच सर्कल बोल रहे हैं, तीसरे को क्या बोल रहे हैं, एडेंडम सर्कल बोल रहे हैं। अब देखिए इसको याद करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे पहले पहला कौन आ रहे हैं, डेडेंडम आ रहा है, तो आप याद करिए दादाजी पहले आए, फिर कौन आए, पापा जी आए, फिर अम्मा जी आ गई, तो इस तरह से मतलब पहले दादा धरती पर कौन आए, दादाजी आए तो डिडेंडम सर्कल, फिर कौन आए, पापा जी आए तो पिच सर्कल, फिर कौन आए, फिर अम्मा जी जिसको मतलब माँ को अम्मा भी बोलते हैं, तो एडेंडम सर्कल हो जाएगा। तो ये एग्जाम में पूछता है कि कौन ये होगा, तो पहले डिडेंडम होगा, फिर पिच सर्कल होगा, एडेंडम होगा। अब इसके जो गैप को बोलते क्या है, जो पिच सर्कल और डिडेंडम सर्कल के बीच की दूरी को डिडेंडम कहते हैं, और एडेंडम जो होता है पिच सर्कल और इसके एडेंडम के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, एडेंडम बोलते हैं। अब इसमें और एक और पूछा जाता है कि इसका पिच क्या होता है, तो देखिए एक दाता, अगर ये दाता है, इसके संलग्न बिंदु के बीच की दूरी, इसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, या वृत्ति पिच भी बोलते हैं। अब एक और इसमें पूछता है, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं फेस, नीचे वाले को बोलते हैं फ्लैंक। देखिए इसमें भी देखिए हमारा फेस कहाँ है, ऊपर शरीर के ऊपर तो फेस ही होता है ना, तो इस तरह से गियर्स में याद करिए कि ऊपर क्या होगा, फेस होगा, नीचे क्या होगा, फ्लैंक होगा। और इसको दाता ऐसे होता है, अगर दाता की मोटाई भी अगर इसके साथ बनाया जाए ऐसे होगा, ऐसे मिला होता है, तो इसको बोलते हैं टॉप लैंड, लैंड मतलब भूमि होती है, ऊपर की भूमि, इसी को इसको टॉप लैंड बोलते हैं, और ये फेस हो गया, ये फ्लैंक हो गया। अब एक चीज और है इसमें कि इसका टूथ थिकनेस, पिच सर्कल पर जितनी थिकनेस दाते की होती है इसे क्या बोलते हैं, टूथ थिकनेस बोलते हैं, टूथ थिकनेस। और यहां पर देखिए पिच सर्कल पर जितना अगर दूसरा एक दाता आता है, जैसे गियर चलता कैसे है, एक गियर ये है, दूसरा गियर इसके बीच मेस करेगा, उसे इससे लेकर चलाएगा, तो एक दूसरा गियर जो मेस करेगा वो ऐसे आएगा, ऐसे मेस करके जो रहेगा इसको चलाएगा, तो इस ये जो इसके बीच में आता है, तो ये जो गैप होता है इस दांते के बीच में, इसको बोलते हैं टूथ स्पेस, मतलब दांतों के बीच का गैप बोलते हैं, टी एस मतलब इसको नोट कर लेते हैं, ये दूरी जो है दांतों के बीच की गैप है। और इसमें सबसे बहुत एग्जाम में बार बार या इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है क्लेंस क्या है, तो देखिए ये दाता इसमें पूरी तरह सटेता नहीं है, क्यों, अगर सटेगा तो क्या होगा, ये दाता काट इसके नीचे बेस को काटेगा, तो ये थोड़ा सा गैप होता है। आप देखिए इसमें डिडेंडम एडेंडम डिडेंडम से छोटा होता है, तो ये थोड़ा छोटा होगा तो ये इतनी दूर तक ही आएगा, और वैसे भी इसको याद एग्जाम में भी बार बार कंफ्यूज भी लड़के हो जाते हैं कि एडेंडम बड़ा है कि डिडेंडम बड़ा है। तो इसको देखिए पहले कौन थे, दादाजी थे, फिर पापा जी थे, फिर अम्मा जी थी, तो दादाजी और पापा जी के बीच एज का गैप ज्यादा होगा, और पिताजी और माताजी के एज के बीच की गैप क्या होगा, कम होगा, तो इसलिए ये छोटा होगा, पर दादा और पिताजी के गैप ज्यादा है इसलिए ये बड़ा होगा। तो ये हो गया आपका डिडेंडम। तो इसमें जो दांतों की गहराई पूछी जाती है, दांतों की गहराई, गहराई कितनी है, डिडेंडम प्लस, देखिए गहराई अब क्या हो गई, ये होगा एडेंडम, फिर प्लस डिडेंडम हो गया। अब अगर पूछे कि दांतों की ये गहराई हो गया, अब पूछे क्लेंस कितना है, इसको हम दूरी को बोलते हैं क्लेंस बोलते हैं, जो दूरी बच जाती है डिडेंडम सर्कल और इसके टॉप से, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लेंस बोलते हैं। और क्लेंस कितना होता है, क्लेंस होगा एडेंडम प्लस डिडेंडम। अब ये जो सी अगर दूरी मानते हैं तो इसको माइनस, इसमें से ये सी को माइनस कर देते हैं, क्लेंस लिखते हैं, अगर यहां पर ये एक्स लिख देते हैं इसको, तो एक्स को हम माइनस कर देते हैं, तो ये क्लेंस हो जाता है।
तो और एक और एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियरेंस आप समझ गए क्या होता है कि हमारा एडेंडम प्लस डिडेंडम इन दोनों को जोड़ दीजिए और जितनी ये गैप बचती है इसी को हम माइनस कर देते हैं, तो ये क्लियरेंस अपना निकल जाता है। अब एग्जाम की दृष्टि से जो आता है बहुत इंपॉर्टेंस है, पूछा जाता है मॉड्यूल पूछा जाता है और सर्कुलर पिच पूछा जाता है, तो वो सो कितना होता है, तो मॉड्यूल का जो फॉर्मूला बनता है मॉड्यूल डी अपान टी, डी क्या है इस गियर का डायमीटर है, टी क्या है इसमें दांतों की संख्या है, तो ये मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है। अब जैसे इसको भी अगर आप याद कर सकते हैं तो माँ दाता है, तो ये मॉड्यूल ये नंबर गियर का डायमीटर और ये थिकनेस नंबर ऑफ टीथ, तो ये हो जाएगा मॉड्यूल, ये पूछा जाता है। एक और क्या पूछते हैं, डायमीटर पिच पूछते हैं, पीडी, पीडी कितना होता है, ये इसी का उल्टा हो जाता है, मॉड्यूल का उल्टा ही क्या हो जाएगा डायमीटर पिच हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा टी अपन डी हो जाएगा। एक सर्कुलर पिच आता है पीसी, तो पाई इंटू मॉड्यूल होता है, अब मॉड्यूल को यहां पर लिख दीजिए पाई इंटू डी बाई टी हो जाएगा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसी पर क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, फार्मूले बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक पूछा जाता है बैकलेस क्या होता है, इसमें देखिए नीचे तो क्लेस होता है, बैकलेस कहाँ होगा, बैक देखिए हमारा बैक कहां पर है, हमारा बैक ये बीच में है ना, तो गियर का जहां ये बीच होता है ना, क्योंकि अगर पूरी तरह से अगर मेस कर जाएगा तो क्या हो जाएगा दाते लड़ने लगेंगे, अब दाते रगड़ने लगे अंदर फिट नहीं हो पाएंगे, तो थोड़ा सा गैप इसके बीच होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बैकलेस, मतलब ये याद रखिए कि बैकलेस बीच में होता है। अब देखिए इस तरह से इसमें से पूछा जाता है एग्जाम में, आप नोट्स कर लीजिए।